नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाई एस्ट्रोलॉजर में। हमारे जो वीडियो की सीरीज चल रही है वो है करियर सिलेक्शन वाया एस्ट्रोलॉजी। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने दो पार्ट और बनाए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में वीडियो लिस्ट में जाओगे तो आपको ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनके दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उनको भी देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आज मैं जो जन्म कुंडली लेके आया हूँ वो एक जातक की जन्म कुंडली है और ये जो जातक है ये हमारे पास अभी आया है, तो इसकी जो उम्र है वो है अगस्त 1966, यानी कि ये 66 का बर्थ है। तो अब ये जो जातक जो है मेरे पास आया तो मैंने इसकी जन्म कुंडली देखी और देखते ही मैंने कहा, क्या आपने एजुकेशन के अंदर इंजीनियरिंग कर रखी है? तो उसने कहा, हाँ जी सर, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है रिफाइनरी में और रिफाइनरी में मैं जॉब करता हूँ। तो ये मेरे को कैसे पता चला कि भाई इसने इंजीनियरिंग कर रखी है? तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि जातक ने जो इंजीनियरिंग की है वो कैसे की है और कैसे हमें देखना चाहिए जन्म कुंडली में कि उसकी एजुकेशन के पार्ट को, कि कैसे वो उस पार्ट को स्टार्ट करता है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो किसी भी व्यक्ति की एजुकेशन के बारे में जब आप जानना चाह रहे हो तो पहले ये देखिए कि जातक की जो एजुकेशन है वो किस महादशा में हुई है, क्योंकि जातक या कोई भी व्यक्ति हो उसको जो भी रिजल्ट मिलता है अपने जीवन में वो मेनली जो है वो महादशाओं से मिलता है। महादशाएं, अंतरदशाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी ग्रह अगर उच्च का है या नीच का है या कोई दोष है तो वो हर समय रिजल्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर रिजल्ट देती है तो उसका एक पीरियड होता है कि वो उसी समय रिजल्ट दे सकता है, वो उस समय बाध्य होता है, वो रिजल्ट देता ही है। जैसे मान लीजिए शनि है तो शनि अपने पीरियड में ही रिजल्ट देंगे, ऐसे नहीं है कि वो गुरु के अंदर घुस के रिजल्ट दे के चले जाएंगे। नहीं, शनि है वो अपने टाइम पे देंगे, राहु अपने समय पे देंगे, सूर्य जो है वो अपने समय पे देंगे। तो हमें किसी भी जातक की एजुकेशन या कोई भी इवेंट्स के बारे में पता करना है तो हमें एक कैलकुलेशन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने इस जातक को ये कहा था कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो वो कैसे कहा कि भाई उसकी एजुकेशन देखी है कि भाई इसकी एजुकेशन जो है वो कैसी हुई। तो हमें देखा इसकी एजुकेशन का जो समय था, देखिए सबसे बड़ी चीज हो गई कि एजुकेशन जिस समय मतलब उस टाइम पीरियड में हुई है वो टाइम पीरियड आप देखिए। तो इस ये जो जातक है उसका बर्थ है 66 का, यानी कि 1966 का। तो 66 को अगर हम माने तो जन्म हुआ है, तो ये जो जातक है वो स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है 70 से या 71 से, क्योंकि 5 साल या 4 साल की उम्र में इस जातक जो है वो स्कूल जाते हैं। तो अब 71 में अगर ये आप फर्स्ट क्लास मान सकते हो, या फिर अगर कुछ जैसे आजकल प्ले और वो क्लासें होती है उनको भी काउंट करें, तो ये जो जातक है वो 10th के अंदर 81-82 में आया होगा, यानी 82 को आप मान लीजिए, 82 में ये जो जातक है वो 10th पास करके 11th में आया, और 11th में ही सब्जेक्ट जो है वो चेंज होते हैं। हमारे इस साइड में 11th क्लास में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 11th क्लास में सब्जेक्ट चेंज होते हैं कि भाई आपको प्रोफेशनली के रूप में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इंजीनियरिंग लेना है, मेडिकल विभाग में जाना है, अकाउंट्स लेना है, या जो भी सब्जेक्ट है आर्ट्स के संबंधित। तो अब जातक ने जो 82 के अंदर सब्जेक्ट चेंज किया, तो पहले हमें देखिए कि वो महादशा किसकी थी। तो अब देखिए आप कि जातक जो है उस समय जो महादशा थी वो शनि की थी, क्योंकि 1976 से लेके 95 तक वो शनि का पीरियड चल रहा है पूरा। अब शनि में हमने देखा है 82 के अंदर जो केतु चल रहा था, देखिए ये क्यों देखना जरूरी है, केतु शनि का जो पीरियड है वो देख लिया, अब शनि क्या रिजल्ट दे रहा है वो भी हम देखेंगे कि क्या शनि जो है वो इंजीनियरिंग को सपोर्ट कर रहा है जो जातक ने की है। ये जो चीज़ है ये जातक ने हमें बताई थी और हमने उनसे मतलब कंफर्म की थी, कि हमने उनसे पूछा कि क्या आपकी एजुकेशन इंजीनियरिंग में हुई है, तो उसने कहा हाँ हुई है। तो हम वो कैसे मैंने की थी वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो शनि का जो पीरियड है वो भी इंजीनियरिंग दर्शा रहा है, वो मैं कैसे कर रहा है वो मैं बताऊंगा। हमने केतु क्यों लिया, क्योंकि केतु जो है उस समय उसका जो सिलेक्शन था, यानी कि
उस पढ़ाई में एंट्री करने का जो सिलेक्शन था वो कैरियर में 82 का टाइम था, उसमें उसने 11th क्लास में सब्जेक्ट चेंज किया है, तो वो केतु के समय पे किया था। अब केतु भी वहां पे रिजल्ट देगा, और केतु ही अकेला नहीं है, उसके आने वाले जो ग्रह है वो भी है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो वो 1 साल का या 2 साल का नहीं होता, अंतरदशाएं 1-2 साल में चेंज हो जाती है, तो वो जो सब्जेक्ट है वो कम से कम 6-7 या 5-6 साल तक चलता है, क्योंकि 3 साल उसमें मतलब पढ़ाई करना पड़ता है, कॉलेज करना पड़ता है, फिर उसमें हायर एजुकेशन में जाके उसका एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, ये 6-7 साल का पीरियड होता है, तो सारी दशाएं उसमें अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 6-7 साल तो शनि का पीरियड अच्छा हो सकता है। उसके बाद केतु में सिर्फ सिलेक्शन, कई बार क्या है हमारा सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है, हम गलत सिलेक्शन ले लेते हैं फिर पछताते हैं, फिर दोबारा सिलेक्शन लेते हैं उस फील्ड में, तो केतु का पीरियड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अब हमने देखे हैं कि शनि हमारे पास एक आया, एक आया हमारे पास केतु, तो क्या शनि इंजीनियरिंग सिग्निफाई कर रहा है वो देखिए हमने कैसे देखा है। शनि जो बैठा है वो पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव जो क्या है टेक्नोलॉजी का है, इनोवेशन का है, न्यू आइडिया का है, प्यार का है, आपके कलाकार का है, सिंगर का है, हर तरह से जो भी वर्जिन आइडिया लेके आता है व्यक्ति, यानी कि जो एक नया टेक्नोलॉजी लेके आता है जो किसी को पता नहीं होता है, यानी कि एक कला कह सकते हो आप उसे कलाकार, तो वो चीज जो है वो पंचम हाउस से आती है, वहां पे शनि बैठा है और शनि की महादशा है। फिर शनि की दो राशियां हैं मकर राशि और कुंभ राशि, तो कुंभ राशि जो है वो 4th हाउस में आ रही है और मकर राशि जो है वो आपके 3rd हाउस में यानी कि तीसरे भाव में आ रही है। तीसरा भाव क्या है, तीसरा भाव टेक्नोलॉजी का है, वायर टेक्नोलॉजी कह सकते हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी कह सकते हो, वाईफाई, नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट और गेम संबंधी, ये सब सारी चीजें हैं, ये आपके 3rd हाउस से आती है। और उसके बाद देखिए 4th हाउस में कुंभ राशि आ रही है, 4th हाउस जो है जमीन का है, खनिज संपदा का है, जमीन के नीचे जो छुपी हुई खनिज का है, शनि जो है वो खुद खनिज का ही मालिक है, शनि जो है वो पाताल का मालिक है, तो पाताल में क्या है खनिज है, तेल है, लोहा है, गैसें हैं और जितने भी तरह के स्टोन्स हैं वो सब चीजें जो खनिज है वो उनमें आती है, तो शनि जो है वो रिफाइनरी या माइनिंग है, तो इन चीजों को सिग्निफाई करता है। पंचम भाव में बैठा है तो इंजीनियरिंग कराता है, नया इनोवेशन, तीसरे भाव उसमें है तो टेक्नोलॉजी से संबंधित कराता है, यानी कि कोई भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मशीनरी चलाना हो या मशीनरी से रिलेटेड हो, ये चीज हमें शनि से मिल गई, ये है महादशा। अब महादशा में शनि ने कहा है कि भाई मैं आपके ऊपर इंजीनियरिंग जैसी चीजों में सपोर्ट करूंगा, तो ये चीज हमें अच्छी मिली। अब देखिए केतु, हमने केतु लिया था, केतु ही हमने क्यों लिया, क्योंकि वो केतु जो है 82 में आ रहा था, तो उसने वहां पे हमें बताया था कि भाई यहाँ पे करियर सिलेक्शन होगा, तो केतु जो है वो 12वें घर में विराजमान है, 12वां घर जो है वो आपका विदेश यात्रा है, ठीक है। केतु जो है वो शुक्र की राशि में है, शुक्र की राशि जो है वो 9th हाउस में आ रही है, उच्च शिक्षा दिखा रही है, तो केतु जो है वो हायर एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, ये एक अच्छी चीज है। फिर केतु देखिए विशाखा नक्षत्र में है, विशाखा जो नक्षत्र है वो गुरु महाराज का है, और गुरु महाराज की जो राशि है यानी कि मीन राशि है वो पंचम भाव में आ रही है, धनु राशि है वो आ रही है आपके 2nd हाउस में, गुरु महाराज जो है वो 9th हाउस में बैठे हैं, तो पंचम हाउस में राशि आ रही है और खुद 9th हाउस में बैठे हैं हायर एजुकेशन में, और 5वां हाउस जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पे, तो ये जो गुरु महाराज है वो भी टेक्नोलॉजी को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा हो गया इनके लिए कि भाई केतु देवता भी इनको पंचम भाव का रिजल्ट जोड़ रहे हैं, शनि भी जोड़ रहे थे और केतु भी जोड़ रहे हैं, और हायर एजुकेशन करा रहे हैं वो भी पंचम भाव के थ्रू यानी कि इंजीनियरिंग के थ्रू, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है इस जन्म कुंडली में देखने के लिए कि भाई 5वें भाव का संबंध शनि से भी बना है और केतु में गुरु से भी बना है, तो यानी कि यहाँ पे इंजीनियरिंग का जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं जातक। तो ये एक कैलकुलेशन था कि जातक को हमारी जो मतलब कैरियर का जो सिलेक्शन है वो इस तरह से लेना चाहिए। फिर देखिए क्या ये जातक ने जो सिलेक्शन किया है क्या वो लंबे समय तक सूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि लंबे समय का मतलब ये हुआ कि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एजुकेशन है वो 1-2 साल की नहीं होती है, वो लंबी चलती है, लंबी का मतलब 6-7 साल, तो केतु है, केतु के बाद शुक्र आएगा,
शुक्र देखिए 83 से लेके 86 तक, यानी 3 साल चलेगा, तो यानी कि 82 से लेके 86 तक का पीरियड जो है वो फेवरेबल होना चाहिए, उसके बाद आगे का भी होना चाहिए। तो शुक्र को देखिए, शुक्र तो है 9th हाउस में बैठा है, यानी कि हायर एजुकेशन तो दिखाएगा। शुक्र जो है, शुक्र मंगल के साथ भी है, गुरु के साथ भी है। गुरु आपको पता है टेक्नोलॉजी दिखा ही रहा है, और शुक्र जो है वो पुष्या नक्षत्र में है। पुष्या नक्षत्र जो है वो आपका है शनि देवता का, पुष्या जो नक्षत्र है वो है शनि देवता का। तो ये काफी अच्छा हुआ, शनि जो पंचम भाव में बैठे हैं उनकी जो राशियां हैं वो आ रही है तीसरे और चौथे भाव में। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग फिर से सपोर्ट कर गए बुध, क्योंकि शुक्र जो है वो फिर से सपोर्ट करा। फिर देखिए शुक्र जो है पुष्य नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र में है। देखिए यहाँ पे आप शुक्र को देखेंगे, शुक्र जो कर्क राशि में 14.58 डिग्री है और पुष्य नक्षत्र है शनि के नक्षत्र में और गुरु के उप नक्षत्र में, तो एक बड़ा राजयोग हो गया। तो यानी कि अब शुक्र भी इंजीनियरिंग को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो इंजीनियरिंग को और हायर एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे गुरु जो है वो उच्च के होके भी विराजमान है, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो यानी कि इस जन्म कुंडली में देखे तो गुरु जो है मंगल के बाद एक सबसे सेकंड मतलब सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, क्योंकि वो पंचम के मालिक और 9th हाउस में उच्च के होके बैठे हैं और कई ग्रहों को चला रहे हैं। जैसे कि चंद्रमा का चंद्रमा जो है वो गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु खुद अपना रिजल्ट दे ही रहे हैं, और गुरु जो है वो खुद गुरु के नक्षत्र में है, और शुक्र भी गुरु के उप नक्षत्र में है, और आपका केतु भी गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु जो है वो कई सारे ग्रहों का रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो यानी कि ये जो जन्म कुंडली है इसमें गुरु ने काफी अच्छा रोल निभाया है। तो गुरु ने यहाँ पे बार बार पंचम हाउस को सिग्निफाई करवाया, जिसकी वजह से इनको इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला, स्मार्टनेस आई, और पढ़ाई में काफ़ी फायदा मिला। तो ये जो जातक है उन्होंने इंजीनियरिंग करवाई। कोई भी व्यक्ति हो, करियर का जो सिलेक्शन है वो आप नक्षत्रों से, उप नक्षत्रों से, और वो जो टाइम पीरियड है उस पर करिए। देखिए ऐसे नहीं है कुंडली देखी और आपने बता दिया, नहीं, जब उसकी एजुकेशन हुई थी उस समय का पीरियड देखिए कि वो पीरियड कहाँ चल रहा है। अब मान लीजिए जातक ने एजुकेशन तो इंजीनियरिंग में की, अब शनि के बाद गुरु बुध आता है, और बुध मान लीजिए इसको सूट ही नहीं करता, तो फिर वो व्यक्ति क्या कर पाएगा इंजीनियरिंग। तो ऐसे आपको एक लंबा पीरियड देखना चाहिए। तो यानी कि 82 में स्टार्ट हुआ है तो इसका 95 तक चलेगा, तो ये एक लंबा पीरियड है, क्योंकि 95 तक इसका मतलब है कि जातक के पास काफ़ी समय इस पढ़ाई को करने में, क्योंकि शनि वहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है, तो काफ़ी समय इसको पढ़ाई को करने में, उसमें एक्सपीरियंस गेन करने में, उसमें फ़ायदा लेने में, तो जातक इस एजुकेशन में जा सकता है। मान लीजिए जातक जो है उसका करियर सिलेक्शन अगर शनि के अंतिम चरणों में होता, मान लीजिए राहु में या गुरु में होता, तो फिर जातक के लिए ध्यान रखने की चीज़ थी कि भाई आने वाला अगला पीरियड यानी कि बुध का जो पीरियड है वो उसको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो कोई छोटे से पीरियड को देख के नहीं करना चाहिए, एक लंबा पीरियड कम से कम 10 या 15 साल का होना ही चाहिए, जिससे कि हमें फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें आप ज़रूर अपनी जन्म कुंडली में ध्यान दें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आपको अगर ज्योतिष संबंधित कुछ जानकारी चाहिए अपने जन्म कुंडली के प्रति, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 07296 978417, और मेरा ईमेल आईडी है syastrologer@gmail.com। तो आप हमें कॉल करिए। ये हमारी जो सर्विस है ये एक पैड सर्विस होती है, तो उसको मद्देनज़र रख के ही आप हमें कॉल करें। तो धन्यवाद दोस्तों।